था कि तुमने उनको तो नहीं जाने दिया गांव की महिलाओं को, या तो संदिग्ध है कि क्या डेड बॉडी अंदर थी या डेड बॉडी वहां से उठा के फेंकी गई है और उसके बाद आपने रातों रात उस बुलडोजर को फिराया है। इससे हम रेनुविस्ट के पास हमारा जो संदेह जा रहा है। अंकिता हत्याकांड के सबूत जुटाने में लगे महिला संगठनों ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिससे एक बार फिर से मामला सुर्खियों में आ गया है। उत्तराखंड महिला मंच के नेतृत्व में बनी ये टीम अंकिता के गांव डोब श्रीकोट, ऋषिकेश के वनंतरा रिजॉर्ट समेत कई जगहों पर गई और उसके बाद जांच टीम जब देहरादून पहुंची तो वहां उन्होंने कई मामलों पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। इन संगठनों ने घटना के बाद वनंतरा रिजॉर्ट पर आधी रात बुलडोजर चलाए जाने को लेकर ऐसा सवाल खड़ा किया जो विधायक रेनुविस्ट की मुश्किलें बढ़ा सकता है। उत्तराखंड महिला मंच की निर्मला बिष्ट ने कहा कि जब अंकिता का शव नहीं मिला था उस वक्त इलाके की महिलाएं रिजॉर्ट के अंदर जाना चाह रही थी लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया। रिजॉर्ट में जो बुलडोजर चला है उससे पहले की बात बताऊं कि जो हम वीडियो में देख रहे हैं कि महिलाएं वहां की महिलाएं उस रिजॉर्ट के अंदर जाना चाह रही थी जब तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली थी। क्या कारण था कि तुमने उनको तो नहीं जाने दिया गांव की महिलाओं को, या तो संदिग्ध है कि क्या डेड बॉडी अंदर थी या डेड बॉडी वहां से उठा के फेंकी गई है और उसके बाद आपने रातों रात उस बुलडोजर को फिराया है। इससे हम रेनुविस्ट के पास हमारा जो संदेह जा रहा है इसलिए जा रहा है, ये सरकार के ऊपर हो चाहे वहां के डीएम के ऊपर हो, किसकी अनुमति से आपने बुलडोजर फेरा जबकि गाँव की जनता को आपने अंदर नहीं जाने दिया। इन तमाम सवालों के बाद महिला संगठनों ने उन बातों का जिक्र भी किया जिसकी जानकारी वो ऋषिकेश समेत तमाम इलाकों से जुटा कर लाए थे। संगठन के सदस्यों ने कहा कि उस रात इलाके के लोगों ने रिजॉर्ट को तोड़ने का विरोध किया था लेकिन रात को फिर बुलडोजर आया और तोड़फोड़ हो गई। लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि इसको क्यों तोड़ रहे हैं और क्यों जला रहे हैं, वो लोग आए मदद करने कि आग वाग बुझाएंगे और इसको तोड़ने नहीं देंगे, तब वो बुलडोजर लौट गया। उसके बाद फिर दोबारा बुलडोजर आया है और उन्होंने वो तोड़फोड़ की है। इसके बाद महिला संगठन ने वनिंद्रा रिजॉर्ट पर आने वाले वीआईपी के खुलासे की भी मांग की जिसका अब तक पुलिस कोई सुराग नहीं खोज पाई है। देहरादून से अंकित शर्मा की रिपोर्ट।